भाइयों और बहनों, मेरे देश के सभी वासियों, मैं आज आपको बहुत गर्वी सच बताता हूँ कि भारत में रामायण और महाभारत दो बहुत बड़े महाकाव्य हैं। और महाभारत की सीरियल भी आपने बीआर चोपड़ा साहब का देखे होंगे। क्या सोचिए, मात्र को समझने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत बड़ी बात है। महाभारत देखने के बाद जो निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, या आप भी अगर विचार करेंगे तो पहुंचेंगे कि महाभारत जो है वह काव्य में ये बताया गया है कि कोई भी घटनाएं जो होती होनी है वह होके रहेगी। जैसे आप लीजिए कौरव और पांडव का युद्ध, उस युद्ध के लिए आप सोचिए कि पहले धृतराष्ट्र के मन में पहले मलिनता था, वो बड़ा होते हुए भी वो क्यों नहीं बन पाया राजा, उसका बेटा क्यों नहीं बन पाएगा युवराज, ये बात तो उसके मन में खटकती रही और वो बात को पकड़ रहा। युद्ध को रोकने का प्रयास सबसे ज्यादा किए गए कृष्ण के द्वारा, जो विष्णु के अवतार हैं, फिर भी वो युद्ध को नहीं रोक सके, जो यह बताता है कि अगर घटना होनी है तो वो होगी और आप उसे लाख प्रयास करें आप नहीं रोक सकते। आदमी और आदमी का कर्म भी उसी दिशा में ले जाता है जैसे धृतराष्ट्र के काम को दुर्योधन ने बढ़ाया और उसी काम को हवा देने का काम किया उसके मामा शकुनि ने, और अंत में क्या हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों को उतने कष्ट लिखे थे, उन्होंने कष्ट को भोगा। ये मैं महाभारत में पहली कड़ी में ये पहली बात बता रहा हूं। धन्यवाद। बाकी बातें अगली कड़ी।